को लेकर हमारे संवाददाता पवन सिवर ने जेपी दलाल जो कि कृषि मंत्री हैं हरियाणा के उनसे खास बातचीत करी है। क्या कुछ उन्होंने कहा सुनिए। हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल हमारे साथ हैं। दलाल साहब, आज सबसे पहले जो आप बैठक में शिरकत करने आए थे, नाबार्ड की बैठक थी, कि जो कृषि पर नाबार्ड आपको सहयोग करता है, किस तरीके की किन योजनाओं पर बातचीत हुई है सर? देखिए, वार्षिक तौर पर नाबार्ड की बैठक होती रहती है कि बैंकों के माध्यम से स्टेट का फंडिंग कैसे हो। तो बहुत एक बड़ी योजना जो है अगले साल की, लगभग 1,54,000 करोड़ रुपए की जो फाइनेंसिंग होगा बैंकों के माध्यम से, जिसमें केसीसी का पैसा है और दूसरी चीज़ों का पैसा है, पशुधन का वो है, डेयरी का है या इंटरप्रेन्योर्स का है, एमएसएमई का है, तो उस बारे में चर्चा हुई और हरियाणा का प्रदर्शन का रिव्यू हुआ। हरियाणा का प्रदर्शन देश में लगभग सर्वश्रेष्ठ है और जो जो स्कीमें बना देते हैं हम उनको लागू करते हैं और प्रदेशवासियों के हित में बहुत सारे काम होते रहते हैं और उसी चीज़ के लिए आज ये बैठक थी। और अगले साल का जो है हमारा जो फोकस है, एजेंडा है, वो निश्चित हो गया है। दलाल साहब, इसके साथ ही सर एक और विपरीत परिस्थिति इस वक्त हरियाणा में नजर आ रही है। पंचकुला जिले में बरवाड़ा कस्बे में जो पोल्ट्री फार्म है उनमें लाखों मुर्गियों की मौत हुई है। इस मामले में क्या कोई सैंपल लिए गए हैं, क्या तैयारी विभाग ने की है सर, पशुपालन विभाग ने? पिछले 20 दिन के अंदर एवरेज से ज़्यादा मुर्गियों की मौत हुई है। इस बार ठंड भी ज़्यादा पड़ी है और बाकी देश के अंदर हमें सूचना मिली कि कहीं ना कहीं बर्ड फ्लू है, तो उसको शक के आधार पर हमने सैंपल लेके भिजवाए हैं। एक दो दिन में रिजल्ट आ जाएगा, तो उसी वक्त हम सही कह पाने की स्थिति में होंगे। और एडवाइजरी हमने जारी कर दी है कि जो जो प्रिकॉशन ले सकते हैं हमारे किसान भाई या ये मुर्गी पालक, वो लें और जल्दी ही हम इसका डिक्लेयर कर देंगे कि इसमें कौन सी बीमारी है। तो कब तक रिपोर्ट आने की उम्मीद है? आपने पशुपालन विभाग से बात की होगी सर, सैंपल कब तक? सैंपल गए हुए हैं, जल्दी से जल्दी एक दो दिन में आ जाएगी। सर, इसके साथ ही जो हरियाणा का जो कंसर्न है किसान आंदोलन में, हरियाणा के किसानों की भी संख्या वहाँ बढ़ रही है, साथ ही 40 दिन से ये आंदोलन चल रहा है, अब आप क्या उम्मीद करते हैं इस पूरे मामले में? देखिए, दोनों जब पक्ष बातचीत के लिए तैयार हैं, मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, तो मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि दोनों का मानस बना हुआ है कि इसका कोई ना कोई नतीजे पर बात पहुंच जाएगी और समस्या का समाधान हो जाएगा। तो किसान ये कह रहे हैं सर कि कृषि कानूनों को वापस ही लिया जाए, तभी उनकी जो बात है वो मांग को पूरा मानेंगे। देखिए, दोनों पक्ष जब ये अगली वार्तालाप के लिए तैयार, 8 तारीख को जो होनी है तैयार हो गए हैं, तो जब भी ऐसे आंदोलन होते हैं तो एक कदम एक पक्ष चलता है, दो कदम दूसरा पक्ष चलता है और बीच में कहीं कहीं रास्ता निकल जाता है। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि अब रास्ता निकल जाएगा। कांग्रेस के विधायक दल ने 2-2 लाख रुपए जो किसानों की मौत हुई है उनको देने का ऐलान किया है। अभय सिंह चौटाला का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि हम अकेला में 3600 करोड़ रुपए भी अगर किसानों के लिए देना पड़े तो दे सकता हूँ। आप क्या विचार कर रहे हैं सर, कृषि मंत्री होने के नाते? सोचना चाहिए, जब अभय सिंह चौटाला 3600 करोड़ रुपये देता है तो कांग्रेस को तो 36,000 करोड़ रुपये देने चाहिए, क्योंकि ये किसानों की जो आज हालत ख़राब है, जो नीतियाँ कांग्रेस ने बनाई किसानों के प्रति पिछले 50-60 साल में, उसी वजह से है। और सहायता करना वो होता है जो चुपचाप कर दे। ये राजनीति कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, किसान तेजी होने का ढोंग कर रहे हैं, किसान को बर्बाद करके अब 2 लाख रुपए से किसान को क्या होगा? देते हैं तो अपने जो घोटाले कर रखे हैं उनका कुछ पैसा बांट दे। तो आप लोग कुछ विचार कर रहे हैं सर किसानों को राहत बिना चुपचाप देने के? हम तो हमारे से जो बनता है कर रहे हैं। तो ये हमारे साथ हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल थे। जयप्रकाश दलाल ने कहा है कि हरियाणा में जो मुर्गियों की मौत हुई है उनके सैंपल भेजे गए हैं और उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही बर्ड फ्लू है या नहीं इसकी पुष्टि होगी। लेकिन इसके साथ ही किसानों के मुद्दे पर जेपी दलाल ने इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।